1998 में सौरभ शुक्ला की पहली मूवी आई सत्या। भाई साहब इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 14,35,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,00,00,000 रुपए कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। साल 2000 में सौरभ शुक्ला की दूसरी मूवी आई दिल पे मत ले यार। दोस्तों इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 97,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,48,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2003 में शुक्ला जी की तीसरी मूवी आई रघु रोमियो। दोस्तों इस मूवी का बजट 50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 16,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद शुक्ला जी की मूवी आई कलकत्ता मेल। दोस्तों इस मूवी का बजट 5,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,59,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद सौरभ शुक्ला की मूवी आई मुद्दा। दोस्तों इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 35,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। साल 2005 में सौरभ शुक्ला की मूवी आई चेहरा। भाई साहब इस मूवी का बजट 4,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 42,00,000 की हुई और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद सौरभ शुक्ला की मूवी आई मुंबई एक्सप्रेस। भाई साहब इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3,50,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब शुक्ला जी की ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2007 में सौरभ शुक्ला की मूवी आई सलामे इश्क। इस मूवी का बजट 43,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 22,68,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51,96,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2008 में शुक्ला जी की मूवी आई मिथ्या। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5,18,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,17,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। साल 2009 में शुक्ला जी की मूवी आई एसिड फैक्ट्री। दोस्तों इस मूवी का बजट 21,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 3,80,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,20,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल शुक्ला जी की मूवी आई रात गई बात गई। दोस्तों इस मूवी का बजट 6,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 64,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 95,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। साल 2011 में सौरभ शुक्ला की मूवी आई ऊट पटांग। दोस्तों इस मूवी का बजट 5,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 40,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 55,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद शुक्ला जी की मूवी आई पप्पू कांड डांसाला। दोस्तों इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 44,00,000 की हुई और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। साल 2012 में शुक्ला जी की मूवी आई फास्टो। दोस्तों इस मूवी का बजट 6,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 16,00,000 की हुई, पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22,00,000 रुपए कमाए और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद शुक्ला जी की मूवी आई I am 24। दोस्तों इस मूवी का बजट 4,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 23,00,000 की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31,00,000 का कलेक्शन किया और भाई साहब शुक्ला जी की ये मूवी भी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था शुक्ला जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।